हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक बाय शॉर्टिंग ऑफ 15 ईयर क्वेश्चन फॉर यूनिट 7 रिगार्डिंग सीएसआईआर यूजीसी नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन। इससे पहले हमने अप टू यूनिट 6 तक की बात कर ली थी, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले जाके आप उन वीडियोस को देखिए, फिर उसके बाद आप यूनिट 7 पे स्विच करिएगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। जो आपकी यूनिट 7 है वो है सिस्टम फिजियोलॉजी एंड एनिमल, जिसे एनिमल फिजियोलॉजी भी कहते हैं। अब आपकी जो यूनिट है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की बॉडी फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जो डिफरेंट सिस्टम है जैसे नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सारे सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, तो इसीलिए आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो आपको इस यूनिट को तो प्रिपेयर करना ही करना है। इसमें टोटल कितने 8 सेक्शन है, जिसमें आप ब्लड एंड सर्कुलेशन पढ़ते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, एक्सक्रेटरी सिस्टम, थर्मोरेगुलेशन, स्ट्रेस एंड एडप्टेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। तो इस तरीके से टोटल 8 सेक्शन है, और हर एक सेक्शन में आप देख रहे हैं कि 7 to 8 टॉपिक है। इस तरीके से 80 to 85 टॉपिक्स आपके खाली एनिमल फिजियोलॉजी में बनते हैं, और 80 to 85 टॉपिक काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप इनको कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि सबको एक साथ प्रिपेयर करना, रिवाइज करना, रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, स्मार्ट अप्रोच के साथ। अब ये स्मार्ट अप्रोच क्या है, स्मार्ट अप्रोच में सबसे पहले हम ऐसे टॉपिक्स को टारगेट करेंगे जो सबसे ज्यादा, जिनसे क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, जिन्हें कहा जाता है मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक। एंड सेकंड जो है क्वेश्चन टाइप, कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, क्या एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, या मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड डायग्रामेटिक क्वेश्चन। तो इसमें बेसिकली जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है एक्सपेरिमेंटल टाइप क्वेश्चन एंड डायग्रामेटिक क्वेश्चन। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते। तो हम ऐसे ही टॉपिक्स या ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले टारगेट करेंगे जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब टॉपिक्स में मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी, मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक एंड लेस एंड मीडियम फ्रिक्वेंट टॉपिक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक में। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक में बेसिकली मैंने यहाँ पे 8 जो टॉपिक्स हैं उनमें डिवाइड करा है। तो आपका ये वाला जो है ये सेकेंड टॉपिक रहेगा, ओके। 7 की नहीं है ये, यहाँ पर टोटल 8 टॉपिक्स हैं। तो 8 टॉपिक्स में क्या क्या है, पहले हैं आपके नर्वस सिस्टम, जिसमें 31 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम 25 क्वेश्चन, एक्सक्रेटरी सिस्टम 23 क्वेश्चन, ब्लड 21 क्वेश्चन, एंडोक्राइनोलॉजी 20 क्वेश्चन, सेंस ऑर्गन 19 क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन जो है 18 क्वेश्चन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम 14 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके टोटल 8 जो टॉपिक है वो मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक की कैटेगरी में जो है आते हैं। अब बाकी का जो है आपका वो है मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक। तो मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट में मैंने यहाँ पर 5 टॉपिक ही खाली मेंशन करे हैं। तो 5 टॉपिक में क्या है, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जहाँ पर 10 क्वेश्चन है, थर्मोरेगुलेशन 6 क्वेश्चन, स्ट्रेस एंड एडप्टेशन 4 क्वेश्चन, मस्कुलर सिस्टम 3 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन जो है वो मिसलिनियस से है। मिसलिनियस कंसेप्ट में मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मोर देन 2 टॉपिक की कैटेगरी में एक साथ लाई करते हैं, तो वो मिसलिनियस टॉपिक होते हैं। तो इस तरीके से 8 जो थे वो आपके थे हाईली फ्रिक्वेंट टॉपिक, और बाकी के जो आपके 5 हैं वो लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको अपने 8 टॉपिक को प्रिपेयर करना है, और उसके बाद आप ये जो 5 टॉपिक है मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक आप इनको टारगेट करिएगा। इसके अलावा यदि आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारी जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो रहेगी उसमें हम यूनिट 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए और प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।